नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी की टीम युवा प्रबंधकों के लिए सेल स्तरीय चेयरमैन ट्रॉफी प्रतियोगिता में उप विजेता रही। राउरकेला स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम दक्ष आयोजित। और ओडिशा बोर्ड के वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस्पात विद्या मंदिर के छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। एमटीआई रांची में 1 जून को युवा प्रबंधकों के लिए सेल स्तरीय चेयरमैन ट्रॉफी प्रतियोगिता में टीम में शामिल सहायक प्रबंधक MSS श्री रिकी अग्रवाल, WMD के कनिष्ठ प्रबंधक श्री दीपक गर्ग एवं HSM के कनिष्ठ प्रबंधक श्री अनूप अग्रवाल ने संयुक्त उप विजेता रहकर राउरकेला स्टील प्लांट के लिए गौरव हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में एकीकृत स्टील प्लांट से 5 और BISL से 1 टीम सहित कुल 6 टीमों ने भाग लिया। दुर्गापुर स्टील प्लांट शानदार चेयरमैन ट्रॉफी 2018 की विजेता रही, जबकि इसको बनपुर RSP के साथ प्रतियोगिता का संयुक्त विजेता रहा। राउरकेला स्टील प्लांट में कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों के लिए HRDC में 14 जून को एक जागरूकता कार्यक्रम दक्ष आयोजित किया गया। RSP के विभिन्न विभागों में नियुक्त कुल 40 ठेका श्रमिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ठेका श्रमिकों को अपनाए जाने वाले सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूक करना और उनके कौशल को विकसित करना है। स्वयं का विकास, पारस्परिक संबंध, अनुशासन, कार्य परिस्थिति, SOP, SMP, दलगत कार्य, कल्याणकारी सुविधाएं और विभिन्न प्रेरक योजनाओं जैसे सामान्य विषयों को इसमें शामिल किया गया। उपमहाप्रबंधक HRD श्री HPATI एवं HRDC के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्री BC नायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। दक्ष कार्यक्रम महीने में 2 बार आयोजित किया जाता है। इस नई पहल के तहत अधिक संख्या में ठेका श्रमिकों को शामिल करने का प्रयास है। इसे ज्ञान कौशल के साथ सुरक्षा पहलुओं का उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा संचालित इस्पात विद्या मंदिर के +2 आर्ट्स और वाणिज्य के छात्रों ने CHSE ओडिशा द्वारा आयोजित वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 में उत्कृष्टता हासिल की है। आर्ट्स विभाग में विद्यालय पास प्रतिशत राज्य के 68.79% औसत पास प्रतिशत के मुकाबले 89.81% रहा है। इसी प्रकार वाणिज्य स्ट्रीम में स्कूल का पास प्रतिशत राज्य के 74.91 औसत पास प्रतिशत के मुकाबले 96.72% रहा है। विद्यालय के आर्ट्स विभाग के परीक्षार्थियों में से 21 छात्रों ने प्रथम डिवीजन, 32 ने द्वितीय डिवीजन और 44 ने तृतीय डिवीजन हासिल किया है। श्री बाल किशोर बाघेल की बेटी शिवानी बाघेल और कार्तिक ओराम की बेटी पूनम ओराम ने 73% अंक रखकर विद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया। जगन्नाथ साहू के पुत्र सिद्धार्थ साहू 72% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सुशांत कुमार त्रिपाठी के पुत्र अभिषेक त्रिपाठी और खिरोद महंती की बेटी तनिमा महंती की बेटी ने 70.8% अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार वाणिज्य धारा में 23 छात्रों ने प्रथम डिवीजन, 16 ने द्वितीय डिवीजन और 20 छात्रों ने तीसरा डिवीजन हासिल किया। अशोक सेनापति की बेटी अंकिता सेनापति 79.67% अंकों के साथ वाणिज्य क्षेत्र में स्कूल टॉपर बनी। कैलाश चंद साहू की बेटी शिल्पा साहू और सरत चंद दास के पुत्र सुधांशु दास 77.67% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मनोरंजन पांडा के बेटे ज्ञान रंजन पांडा ने 76.5% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान हासिल किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।